हेलो दोस्तों, कर दो भाई आप भी सभी। हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों आज हमारे पास ये ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं और आज हम इनको प्रॉपर ऑफलाइन ट्रेनिंग इनके लिए लाए हुए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, हमारे पास ये 4000 KVA का ट्रांसफॉर्मर है और आज हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में प्रॉपर डीपली नॉलेज देंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं और ट्रांसफार्मर के जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनका क्या क्या वर्क होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है, या ट्रांसफार्मर की प्राइमरी किस में होती है और सेकेंडरी कनेक्शन किस में होते हैं, उन सभी के बारे में प्रॉपर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, भाई ट्रांसफार्मर है क्या। भाई ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी साइड में कम वोल्टेज दे और सेकेंडरी साइड में ज्यादा वोल्टेज निकाले, जैसे कि आप इन्वर्टर को 12 वोल्ट बैटरी पे कनेक्ट करते हो और आउटपुट में आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई देता है, तो वो क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, भाई मोबाइल का चार्जर होता है, आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट सप्लाई देता है, तो ये क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो समझ रहे हो आप लोग, दो प्रकार के होते हैं। अब हम जैसे बात करें भाई, तो ट्रांसफार्मर एक ऑयल टाइप होता है, एक ड्राई टाइप होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा है। दोस्तों जो हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा खुले में लगाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, ये जो आप फिन देख रहे हो, इन फिनों के अंदर हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, इन फिनों के द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो इनको बोलते हैं हम फिन, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर फिन है। और देखो एक और सबसे बड़ी पहचान, भाई ये ट्रांसफार्मर है, इसमें दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। हम कैसे पहचानेंगे प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी और सेकेंडरी कौन सी। देखो प्राइमरी साइड में हमारी सिंगल केबल आती है, ये सबसे बड़ी पहचान है, प्राइमरी साइड में सिर्फ सिंगल केबल आती है और सेकेंडरी साइड में आपकी 3 केबल हो सकती है, 6 केबल हो सकती है, 9 केबल हो सकती है, लोड के अकॉर्डिंग कितनी भी हो सकती है। तो ये हमारी प्राइमरी साइड है। अब हम समझेंगे कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग, अरुण इधर ही ध्यान दो, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है। भाई जो वाइंडिंग हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस वाइंडिंग पर हमारा लोड डाला जाता उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो समझ गए, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इधर ले आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ले आगे को बढ़िया हो थोड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा किर्लोस्कर मेक का जो ट्रांसफार्मर है 4000 केवीए का है और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है। भाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड और ऑफ लोड। और देखो हर चीज का अर्थ उसके नाम में होता है। ऑफ लोड ट्रांसफार्मर कैसे भाई, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर का देखो, जब हमें कभी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज हमारे अप या डाउन हो तो ऑफ लोड ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को हम अपनी मर्जी से रेज या लोवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है। भाई इसकी जो हम टैपिंग जब भी चेंज करेंगे, या तो एलटी पैनल में जो हमारा ट्रांसफार्मर इनकमर लगा हुआ है वहां से अपने जो लोड है उस लोड को हटा देंगे तब टैपिंग चेंज कर सकते हैं, या हम जो एचटी साइड, एचटी मेन इनकमर के बाद हमारी साइड पे जितने भी ट्रांसफार्मर होते उतनी आउटगोइंग होती है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जो भी नंबर होगा, एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर सपोज दैट ये ट्रांसफार्मर है तो आउटगोइंग नंबर 1 से हम इसका सप्लाई काट के और जब इसकी टैपिंग को चेंज कर सकते हैं। भाई इस तरह से हम ऑफ लोड की टैपिंग चेंज करते हैं। और ऑन लोड ट्रांसफार्मर जहां होता है वहां पे हमारा आरटीसीसी,
आरटीसीसी समझते हो, रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर, या ओएलटीसी यानी ऑन लोड टेप चेंज कंट्रोलर। तो जहां ऑफ लोड ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता है वहां पे हमारा आरटीसीसी या ओएलटीसी लगा होता है, और उसको हम ऑटो में सेलेक्टर स्विच होता है उस पर ऑटो में भी रख सकते हैं और मैनुअल भी रख सकते हैं। उस पर हमारे पुश बटन भी दिए होते हैं, यदि हम रेज का पुश बटन पुश करेंगे तो वोल्टेज हमारे बढ़ेंगे और लोवर का पुश करेंगे तो डाउन होंगे। और पुश बटन को हमें कभी भी कंटिन्यू पुश नहीं करना, क्योंकि भाई डीजी की तरह जैसे आप डीजी स्टार्ट करते हो ऐसे आपको कंटिन्यू पुश बटन को पुश नहीं करना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आपने उसे 5 सेकंड भी कंटिन्यू पुश कर दिया तो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ये कौन से वोल्टेज कंट्रोल कर रहा भाई, आउटपुट जो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रहे। तो भाई इसके लिए भी हमारे एलटी पैनल में ब्रेकर लगे होते हैं एसी भी, और उनका भी सेट पॉइंट होता है कि हमें भाई अंडर वोल्टेज सेटिंग कितने पर रखनी है और ओवर वोल्टेज सेटिंग कितने पर रखनी है। तो मैक्सिमम हम 385 वोल्टेज अंडर वोल्टेज सेटिंग रखते हैं, वो बात अलग है। देखो किसी साइड पर 2-4-5 वोल्ट अप डाउन रख लेते हैं, कहीं 380 रख लेते हैं, कहीं 90 रख लेते हैं, पर मिनिमम लो वोल्टेज सेटिंग हम 380 लास्ट है, उससे नीचे नहीं रखते हैं। और हाईएस्ट सेटिंग हम 460 वोल्टेज तक रख लेते हैं। तो बात चल रही थी पुश बटन, तो आपको चाहे वोल्टेज लोवर करने हो या रेज करने हो उसको आपको पुश करना है और हाथ हटा लेना। जब आप एक बार लोवर का पुश करोगे तो 4-5 वोल्टेज एक टाइम में घट जाएंगे, और रेज का करोगे तो 3-4 वोल्टेज एक बार में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप मैनुअली वोल्टेज घटा और बढ़ा सकते हैं। अब हम तो ये हमारा आप जो इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये जो दिखाई दे रहा है ये ही हमारा टैपिंग है, जो ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट वोल्टेज होती है यहां से ही हम उसको घटा और बढ़ा सकते हैं। पर ये हमारा ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है, इसे कभी भी ऑन लोड हमें नहीं घटाना बढ़ाना भाई। अब हम बात करेंगे, देखो सभी लोग इधर ध्यान दो, जो भी कंफ्यूजन हो बाद में पूछ लेना कि देखो ये जो ऊपर गोल सा टैंक लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटर टैंक। भाई इसको हमने क्यों लगाया हुआ है इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर टैंक है पूरा, इधर उधर दिखा दीजिए थोड़ा घुमा के, ये पूरा ट्रांसफॉर्मर टैंक है और इसके अंदर हमारा ऑयल भरा हुआ है। भाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल डालते हैं हम, नेफ्ता ऑयल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम नेफ्ता ऑयल डालते हैं। तो भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पे लोड बढ़ता है तो लोड गर्म होने के बाद कोई भी चीज फैलती है, तो ठीक वैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्मर पे जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो ऑयल हमारा फैलता है। तो ऑयल को फैलने के लिए ये जो हमारा कंजर्वेटर है ये ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। इस कंजर्वेटर ऊपर भी थोड़ा दूर हटकर दिखा दीजिए, कंजर्वेटर टैंक को हम कभी भी पूरा नहीं भरते। आप देख सकते हैं इसमें जो भाई इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसमें जो लगाया हुआ मीटर और ये अभी 1/4 इसमें लेवल है, तो ये जब हमारा ऑयल गर्म होता है तो उसके लिए फैलने के लिए स्थान देता है। और इधर दिखा दीजिए आप, और इधर भी इसमें ऑयल सूचक दोनों तरफ दिया हुआ है, ऊपर थोड़ा मोबाइल, इधर भी ऑयल सूचक दिया हुआ है। तो पूरा जो गोल गोल पार्ट है ये हमारा कंजर्वेटर है। अब भाई हम बात करते हैं, देखो कंजर्वेटर हो गया कि ये जो बीच में पार्ट लगा हुआ है ये है हमारी बकोल्ज रिले, जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो बीच में लगी हुई है ये बकोल्ज रिले है। और बहुत सारे हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बकोल्ज रिले कैसे वर्क करती है। भाई बकोल्ज रिले जो होती है ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है, और इस पे ऊपर आप देखोगे तो लिखा भी होता है गैस ऑपरेटेड रिले होती है। अब ये वर्क कैसे करती है, थोड़ा उधर से कॉर्नर से मोबाइल इधर उधर उठा के दिखाते रहिए।
तो भाई इसमें क्या होता है, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पे बहुत अधिक लोड होता है या कोई आंतरिक फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, कोई इस तरह का कोई भी मेजर फॉल्ट होगा, उसमें क्या होगा, करंट बढ़ जाता है और ट्रांसफॉर्मर का ऑयल बहुत तेजी से हीट होता है। तो उसमें ये बकोल्ज रिले क्या करती है हमारी, इसमें ऑयल में जो गैस बनती है इसके अंदर दो मरकरी स्विच होते हैं, फिलोट ए और फिलोट बी, और जैसे ही गैस फिलोट ए को स्केटिंग करती है तो ये एनओ, एनसी से एनओ हो जाता है। और इसके जो हम कंट्रोलिंग किसको देते हैं भाई, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये एचटी जो हमारा मेन इनकमर है, आउटगोइंग से इसकी मेन सप्लाई दे रखी है, तो वही ब्रेकर पे इसकी हम कमांड रखते हैं। या फिर आपने ओके, और इसके बारे में जानते हो आप, ये क्या है भाई, ये है हमारा ब्रीदर, ब्रीदर। और ब्रीदर इसका काम क्या है, देखो ये हमारा आप देख सकते हो कंजर्वेटर से पाइप कनेक्ट करके इसको हम लाए हैं भाई। जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पे ऑयल लोड बढ़ता है तो ऑयल हीट होता है, उस टाइम ऑयल फैलता है, और फिर हमारा लोड कम होता है तो ऑयल धीरे धीरे ठंडा होता है, सिकुड़ता है। तो उस जब ऑयल हमारा सिकुड़ता है तो उस कंडीशन में ये हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है, और जब सांस लेता है तो सांस के साथ में जो नमी होती है या डस्ट होती है भाई, जो हमारी बाहर की नेचुरल एयर है उसमें नमी भी है और डस्ट भी है। तो देखो आप देख सकते हैं ये छोटी सी एक डब्बी है, थोड़ा इधर दिखा दीजिए नजदीक, ये जो डब्बी है इसमें हम ऑयल भर के रखते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल भर के रखते हैं। तो ये ऑयल किस लिए भरते हैं भाई, जैसे इंसान की नाक के अंदर बाल होते हैं, तो बालों का काम होता है जब भी आप डस्टफुल एरिया से निकलोगे तो वहां जो भी धूल होगी वो नाक के अंदर जो बाल उसे रोक देते हैं। तो ठीक वैसे ही जो भी ट्रांसफॉर्मर ऑक्सीजन सक करता है उसमें जो गंदगी की मात्रा होगी वो ऑयल में यहीं रह जाती है, एक तरह से ये ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करता है। और ये जो हमारा ब्रीदर है, ब्रीदर के अंदर जो ये मेटल भरा हुआ, इसे बोलते हैं हम सिलिका जेल भाई। जब ये कलर में अच्छी होती है तो ये ब्लू कलर की होती है, कैसी होती है, ब्लू कलर की, और जब ये हमारी नमी सोख जाती है तो ये पिंक कलर की हो जाती है। बिल्कुल, तो भाई ये जो हमारी अभी सिलिका जेल है ये प्रॉपर तरीके से ना तो पूरी नमी सोखी और ना पूरी अच्छी क्वालिटी की, इसमें कुछ नमी की मात्रा चली गई है। हम इसको यहां से खोल के ब्रीदर को, पूरा पार्ट खुल जाता है भाई। एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जब देखो इसके अंदर जो मेटल भरा हुआ सिलिका जेल, इसको भाई इसका काम है जो ऑक्सीजन के साथ नमी की मात्रा उसको ऊपर ना जाने देना, यानी अंदर जो ड्राई एयर जाए भाई। ड्राई एयर क्यों जानी चाहिए, देखो अभी ये हमारा ट्रांसफॉर्मर लोड पे और मैंने इसे हाथ टच कर रखा है, नहीं लग रहा ना करंट, और ये अभी लाइव है भाई, क्यों नहीं लग रहा, देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नेफ्ता ऑयल भरा हुआ है उसके दो तीन रीजन है। देखो एक तो ऑयल जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर है वो इंसुलेशन का काम करता है, पिलायर से आप लाइव वायर लाइन जोड़ते हो, उसका इंसुलेशन यदि कहीं से कटा होगा तो करंट लग जाएगा, और इंसुलेशन ठीक होगा तो आप लाइव लाइन पे भी काम कर सकते हैं प्लायर से। ठीक उसी तरह जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर नेफ्ता ऑयल है वो इंसुलेटेड ऑयल होता है, वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता और इंसुलेशन का भी काम करता भाई। आपकी जो दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों ही ऑयल के अंदर है, तो इस तरह से तो यदि ऑयल इंसुलेटेड ना होता तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता भाई, पर होता है नहीं होता ना। अब मैं भी इसे टच कर रहा हूं मुझे भी करंट नहीं लग रहा, तो इस तरह से ये ब्रीदर के द्वारा हमारी ऊपर ड्राई एयर जाती है। सर ये जो पिंच लगी हुई है इसमें हाँ, मतलब ऑयल सर्कुलेशन होता है। हाँ जी, देखो भाई आपने देखा होगा कोई भी, अभी मान लो आप घर में चाय पीते हो और ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो और गिलास में आपने चाय ले रखी है और वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप क्या करोगे, किसी बड़े बर्तन में करोगे, उसे बड़े बर्तन में कर दोगे तो आसानी से जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब देखो ये हमारा
एक फिन ये है, एक वो है, और इस तरह से ये चार फिन है। अब ये हमारी पाइप आई और आके इस तरह से ये यहाँ कनेक्ट हो गई और ठीक उसी तरह से वहां कनेक्ट हो गई, और ऊपर से भी ये कनेक्ट है भाई। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का ऑयल देखो हाइट पे हमारा कंजर्वेटर लगा हुआ, कंजर्वेटर तो स्थान दे ही रहा फैलने के लिए, पर ऑयल क्या एक तरफ से आपका इनलेट आउटलेट इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हो रहा है। ये जो फिन है देखो इसमें क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, और इसको हमेशा हम ग्राउंड फ्लोर पे क्यों लगाते हैं, ताकि नेचुरल एयर मिलती रहे। अभी ये हमारा कोई एक फिक्स टैंक होता और इसके अंदर ऑयल होता तो भाई वो इतनी जल्दी ठंडा ना होता, या ये यही हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है ये टैंक है, तो इस पे नेचुरल एयर का इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब ये ऑयल क्या है हमारे छोटी छोटी फिन में डिवाइड हो गया। जब फिन में डिवाइड हो गया इस पे क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरल एयर का हो रहा तो ये उसी से ठंडा हो रहा। सर्कुलेट होने का देखो हमने क्या कर रखा है, इसके नीचे का जो बॉटम की पाइप है ये कनेक्ट कर रखी है, इसके ऊपर की जो दोनों पाइप है वो कनेक्ट कर रखी है। अब इसमें क्या है देखो, ऑयल हीट होगा तो कंजर्वेटर तक ऊपर तक फैलेगा, और इनमें भी गरम ठंडा अपने आप ही आता रहेगा जाता रहेगा। अलग से कोई मोटर वोटर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि हमने कोई बाह्य शक्ति इसमें नहीं लगाई हुई कि भाई जैसे हम डीजी होता है डीजी के लिए सर्दी में प्राइमिंग पंप लगा देते ताकि ऑयल का सर्कुलेशन सही रहे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऑयल क्या है अपने आप ही ये नीचे से इंटरकनेक्ट है बॉटम से और ऊपर से इंटरकनेक्ट है, और ये दो फिन इधर साइड में दो उधर साइड में चारों ऐसे ही कनेक्ट है। अब जैसे ही ऑयल ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऊपर नीचे दोनों जगह से इंटरकनेक्ट कर रखा है, हाँ चलता रहता है सर्कुलेशन। अच्छा अब देखो इधर आ जाइए, ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। पर मैंने जो वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर पे आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, क्योंकि प्राइमरी साइड में सिंगल केबल होती है और सेकेंडरी में कई केबल होते हैं, बट यहाँ अभी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अभी यहाँ से सप्लाई निकाल के कहीं और जाके हमने स्टेप डाउन किया है, सप्लाई को हमने यहाँ पे स्टेप डाउन नहीं किया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे 33 केबी है कि 11 केबी है, बट अभी हमने ये जो यहाँ सप्लाई निकली अभी उसको स्टेप डाउन नहीं किया, अभी वो हमारी एचटी ही सप्लाई बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो सिंगल केबल है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ जाओ क्लियर कि अभी जो हमारी सप्लाई है वो स्टेप डाउन, या तो हमारा ऐसा हुआ है कि 33 केबी सप्लाई आई है और उससे 11 केबी बनी है, स्टेप डाउन हुई है, पर अभी हमारी एलटी नहीं हुई, अभी एचटी ही चल रही है। क्या हो गया? हाँ मैं समझ गया, 33 केबी सप्लाई आई है और उससे 11 केबी बन गई है पर एलटी नहीं बनी, इसलिए हमारी अभी ये सिंगल केबल है। तो इधर दिखा दीजिए थोड़ा, ये भी जो हमारा एक पार्ट लगा हुआ है ये भी ब्रीदर है, तो ये जो हमारे पूरा हमने जो सेकेंडरी साइड है इसको प्रॉपर तरीके से सील्ड कर रखा है, और हम इस पे एक सिलिकॉन आती है, इसमें जो भी छोटी मोटी गैपिंग भी होती है उसको भी हम सिलिकॉन से फिलअप कर देते हैं ताकि हमारा इसमें ऑक्सीजन ना जाए। और भाई ऑक्सीजन देखो एचटी साइड में आपने देखा होगा जो बाहर आरएच यानी रिलेटेड ह्यूमिडिटी, सर्दी के मौसम में आरएच बहुत ज्यादा रहता है या बरसात के मौसम में आरएच बहुत ज्यादा रहता है, तो जो भी हमारे एचटी के सिस्टम होते हैं चाहे वो बीसीबी हो या आरएमयू हो या एचटी मीटर हो, उन सभी में हम एक्सटर्नल हीटर लगा के रखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो ब्रीदर और सिलिका जेल भी लगाई हुई है ताकि थोड़ी घनी मात्रा इसके अंदर चली जाएगी, तो वो इधर ले आइए, थोड़ा इधर आ जाइए भाई सभी। भाई ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर का मार्शल बॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे भाई आप इंटरव्यू में कहीं भी जाओगे
तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं। तो भाई वैसे तो मोस्टली हम बात करें तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी सेफ्टियां हैं, पर मुख्य जो हम सेफ्टी की बात करते हैं तो तीन सेफ्टियां होती हैं, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकोल्ज रिले। ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। अब हम इनके सेट पॉइंट की बात करते हैं कि हम इनका सेट पॉइंट कितना रखते हैं। तो भाई ट्रांसफॉर्मर का जो ओटीआई सेट पॉइंट हम रखते हैं वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और डब्ल्यूटीआई हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ लेता है कि ऑयल टेम्परेचर अधिक होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा? वाइंडिंग टेम्परेचर अधिक होता है। और ऐसा नहीं है, कोई आपसे ये भी कई बार ऐसे आदमी जिद करने लगता है कि नहीं मैं आपको बिल्कुल इक्वल दिखा दूंगा, तो कई बार क्या है बिल्कुल समान भी पा जाता है। तो पर फिर भी आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वाइंडिंग टेम्परेचर ही अधिक होता है। भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो हमारी वाइंडिंग ही तो हीट होगी, वाइंडिंग के बाद ही हमारा वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ही हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब जैसे हम इसकी बात करें, देखो इस पे आप देखोगे ये हमारा ओटीआई मीटर है और ये हमारा डब्ल्यूटीआई मीटर है। हाँ ये डब्ल्यूटीआई है, ये हमारा ओटीआई है। तो अब हम इसमें ये समझेंगे कि भाई हमें इसके जो बारे में पहचान कैसे होगी। देखो ये हमारी जो ब्लैक सुई है, ये हमारी जो ब्लैक निडल आपको दिखाई दे रही है, इधर से दिखाइए भाई समझना, जो ब्लैक निडल दिखाई दे रही है वो ये शो कर रही है कि करंट में अभी तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग टेम्परेचर कितना है, ब्लैक वाली निडल। और जो रेड वाली निडल है वो ये शो कर रही है कि इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है अभी तक, समझ रहे हो? अभी तक गया है सर। हाँ, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर जहां तक पहुंचा भाई, जो 24 घंटे में जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर गया है, तो ये जो रेड वाली निडिल है ये वहीं जाके रुक जाती है। देखो हमारा जो ऑपरेटर होता है वो हर टाइम तो यहाँ बैठा नहीं रहता, तो ये ब्लैक से तो हमें ये पता चल रहा है करंट का हमारा ये टेम्परेचर है, और रेड से हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर का हाईएस्ट टेम्परेचर इतने तक गया है। और एक इसमें आप देखोगे ये इधर थोड़ा दिखाई दे रही होगी, ये हमारा यहां से सेट पॉइंट है। हम टेस्टर की मदद से यहाँ एक छोटा सा नोब टाइप की दिखाई दे रही होगी, टेस्टर की मदद से यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मर का डब्ल्यूटीआई हमें 95 रखना है या 90 रखना है या 80 रखना है, भाई वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जो साइड का इंजीनियर है जो साइड मैनेजर है वो अपने हिसाब से इसे रखते हैं। तो ये इस तरह से हम रख सकते हैं। अब ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं ओटीआई की, मतलब मैन्युअली हम यहां से भी मतलब कर सकते हैं भाई। हाँ कर सकते हैं, बट हमारा स्टैंडर्ड तो होता किसी चीज का, भाई हमें पता है कि वाइंडिंग का हम 95 से अधिक नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं है 105 कर देंगे। हम कम रखना चाहते हैं सेफ्टी पर्पस से, इसे 90 रखना चाहते रख सकते हैं, पर हाईएस्ट 95 से अधिक नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं जो आप चाहो। सेम ओटीआई ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर भी आप इसी तरह से रख सकते हो, और सेम आपकी जो ब्लैक नीडल है वो बता रही है कि भाई आपका ऑयल का टेम्परेचर फिलहाल इतना है और जो आपका हाईएस्ट गया है वो 60 से ऊपर गया है, वो रेड नीडल दिखा रही है और सेट पॉइंट के लिए यहां से है, ठीक है। अब हमारा ये जो इस पे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है ये हमें कहां से मिल रहे हैं? भाई देखो हमारे इसके अंदर ये वायरिंग गई हुई है और ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर हमने थर्मोस्टेट दिया हुआ है। एक हमारा हीटर जो हमारी वाइंडिंग है वाइंडिंग के पास में, और एक हमारा ऑयल के पास में, और वो ही हमारे यहाँ ये सेंसिंग कर रहे हैं कि भाई वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है और ऑयल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा नजदीक से दिखाई, इधर आ जाइए। देखो
इसमें थोड़ा सा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। देखो आप आसानी से किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर में आप देखोगे एक 2.5 इंची का पाइप ऐसे ऊपर जाके और ऐसे मोड़ा रहता है। तो इसमें अभी थोड़ा वो ऊपर या तो उस पर कोई अलग से दिखाई नहीं दे रहा, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट भाई, एक्सप्लोजन वेंट का काम ये होता है, देखो ट्रांसफार्मर में जब कोई बहुत बड़ा फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा केस होने वाला होता है तो उससे क्या है, शॉर्ट सर्किट के केस में हमारा करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाता है तो देखो ट्रांसफार्मर का ये जो पूरा टैंक है इसके अंदर ऑयल भरा हुआ, और ये ऑयल बहुत हमारा कॉस्टली ऑयल है। तो जब कोई ऐसा मेजर फॉल्ट होने वाला होता है तो जो एक्सप्लोजन वेंट होता है वो हमारा एक तरह का इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व बोल सकते हैं उसे। भाई जब ट्रांसफार्मर में बहुत अधिक, देखो छोटे मोटे प्रेशर के लिए तो हमारी बकवलजी रिले काम करती है, गैस पे काम करती है, पर बहुत अधिक जब ट्रांसफार्मर में प्रेशर रिलीज होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सप्लोजन वेंट होता है उस पे फ्लेंच होती है, और फ्लेंच के बीच में हम गिलास लगा के रखते हैं। भाई हम गिलास इसलिए लगाते हैं क्योंकि गिलास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होता है। भाई प्रेशर से लोहा फाड़ने में ज्यादा पावर लगेगी, और फिर तो जब नुकसान ही हो गया तो फिर क्या फायदा रहा, तो हमें नुकसान से बचाना ना। तो एक्सप्लोजन वेंट की जो फ्लेंच होती है, ऊपर वाली फ्लेंच होती है और नीचे वाली फ्लेंच, और उसके बीच में हम गिलास लगा के रखते हैं। जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई बड़ा फॉल्ट होता है और ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है एक्सप्लोजन वेंट के डायफ्राम को तोड़ के ऑयल बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा बड़े नुकसान से बच जाता है। ये एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है। भाई देखो हमने जो हमारे वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो दिए हुए, उनके सेट पॉइंट दिए हुए 90 डिग्री भाई ऑयल टेम्परेचर रखना, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाइंडिंग टेम्परेचर रखना। तो भाई जैसे ही इस टेम्परेचर को ये हमारा अचीव करेगा, जो थर्मोस्टेट उसमें देगा वहां तक पैरामीटर जैसे ही पहुंचेगा, तो बकवल्ज रिले हमारी जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का मेन एचटी ब्रेकर है उसमें कमांड गई है, तो इसको अचीव जैसे ही ये करेगा तो बकवल्ज रिले हमारे पहले अलार्म देगी, अलार्म देगी, वो ये इंडिकेट होगा कि भाई आपका ये इतना टच अप कर गया, आपने जल्दी से उसे रिसेट करके लोड को डाउन कर, हो सकता है देखो 4000 KVA का ट्रांसफार्मर है, तुमने इस पे कंटिन्यू लोड ज्यादा पूरा, हम किसी भी इक्विपमेंट को 80% पे चलाते हैं और 80% को ही इक्विपमेंट का फुल लोड मानते हैं, 20% सेफ रखते हैं। अब आप कंटिन्यू इस पे 90% 95% अधिक लोड चलाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ऑयल बहुत ज्यादा तेजी से हीट होगा और वो बकवल्ज रिले आपके ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग करा देगी। अलार्म मिलता हमें बकवल्ज रिले का, वो जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो मेन ब्रेकर है एचटी का। तो इस तरह से समझ गए आप। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं सेफ्टी लॉक लगाया हुआ ऊपर की तरफ, तो ये है हमारा टॉप फिल्टर वाल, और एक ये लॉक लगाया हुआ है। भाई देखो सबसे ऊपरले स्थान को जैसे आपने डीजी में पढ़ा होगा टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, तो ऊपर साफ लिखा हुआ टॉप फिल्टर वाल और ये बॉटम फिल्टर वाल, और नीचे एक और लिखा हुआ सैंपलिंग वाल। भाई सैंपलिंग वाल जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है उस ऑयल का इंसुलेशन गुण कैसा है हमें कैसे पता चलेगा, तो हम यहां से खोल के इसे और यहां से सैंपल ले सकते हैं ना, ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल ले सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ बॉटम सैंपलिंग वाल और ऊपर टॉप फिल्टर वाल। भाई हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें मेन रोल ऑयल का है, और ऑयल का इंसुलेशन गुण अच्छा रहे उसके लिए हम बीडी टेस्ट कराते हैं, बीडी टेस्ट समझते हो, ब्रेक डाउन टेस्ट। हाँ इसका भी एक भाई रेशियो होता है, जो हमारा ऑयल है अभी ये हमारा इसमें 33,000 वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं, स्टेप डाउन में हमें 11,000 वोल्टेज दे रहा है, तो उसके लिए भी हम ट्रांसफार्मर के ऑयल का बीडी टेस्ट कराते हैं कि भाई उसकी जो हमारा ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण, अब हमारे 33,000 वोल्टेज है तो हम जो बीडी टेस्ट कराएंगे 40,000 वोल्टेज फ्लो करके देखेंगे,
40,000 वोल्टेज पे यदि हमारा ये शॉर्ट कर जाता है, ऐसे नहीं इसमें अलग से इस मशीन से ऑयल लेके, ऐसा नहीं है कि भाई 33,000 पे ट्रांसफॉर्मर चल रहा तुमने यहीं के 40,000 यहीं देके, नहीं, मशीन के अंदर सुविधा होती है, हम ऑयल का सैंपल ले लेंगे और उस मशीन के अंदर भी इसी तरह से जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग है प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अंदर भी सेम प्रक्रिया करके और वहाँ बीडी टेस्ट और वोल्टेज एक्स्ट्रा देके देख लेते हैं कि भाई हमारा इंसुलेशन गुण, तो उसकी भी एक रिपोर्ट होती है कि उसे बोलते हैं हम बीडी टेस्ट। उसके बाद समय समय पे आप सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में, भाई देखो ट्रांसफॉर्मर आपका खुले में लगा हुआ है तो इसका हम डिहाइड्रेशन भी कराते हैं। डिहाइड्रेशन जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, इस ऑयल को अलग से वेंडर आता है, वो ऑयल को एक मशीन द्वारा हीटिंग देता है और उसके बाद उसका बीडी टेस्ट करता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण क्या है। तो इस तरह से मोस्टली, और तो कोई इक्विपमेंट ऐसा, ये तो इधर ये जो हमारे वायर गए हैं ये देख रहे हो, मार्शल बॉक्स से ऐसे वायर गए हुए और हमने अंदर थर्मोस्टेट, भाई हमें जो वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या है तभी तो पता चलेगा। ओटीआई डब्ल्यूटीआई की मतलब कमांड, कमांड का मतलब ये ओवर हो गया ज्यादा, हाँ हाँ, इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया तो उसको तो पता लगेगा, हाँ हाँ, तो ये कमांड वहाँ पे देगा अंदर। देखो जैसे ही ये ज्यादा होगा, बिल्कुल भाई सुनो ध्यान से, जैसे हमारे मित्र ने बोला ओटीआई या डब्ल्यूटीआई जो हमने सेट पॉइंट दिया है यदि उसको क्रॉस करेगा तो ये हमारी बकोल्ज रिले काम करती है, बकोल्ज रिले हमारे ट्रांसफॉर्मर को अनलोड करा देती है, ट्रिप करा देती है ब्रेकर को। भाई देखो ब्रेकर ट्रिप कर गया तो आपका ट्रांसफॉर्मर से लोड कट गया। ओटीआई डब्ल्यूटीआई पे जो हमने सेट पॉइंट दिया है यदि वो अपने सेट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसको बकोल्ज रिले आगे कमांड देगी, हाँ यहाँ से कमांड ब्रेकर पे जाती है जो भी एचटी ब्रेकर है। तो कोई नहीं, अभी फिलहाल यहाँ टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक खत्म करो, आगे फिर डीजी पे चलते हैं। आ जाइए भाई इधर आ जाओ सभी लोग, आ जाओ अब बता देंगे, इधर आ जाइए ना थोड़ा सा। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल्ड के साथ में, मैं आपका साथी भरत, जय हिंद जय भारत।